मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो मासूम बच्चियों को मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर लावारिस छोड़कर गया। दोनों मासूम बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दोनों बच्चियों की उम्र महज 1 से 2 वर्ष की है। जहां केंद्र व प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दे रही है, वहीं मुजफ्फरनगर में इस अभियान के विपरीत लावारिस अवस्था में मासूम बेटियों के मिलने का क्रम जारी है। मुजफ्फरनगर में रविवार की सुबह रेलवे स्टेशन पर लावारिस अवस्था में 2 मासूम बच्चियां गंभीर हालत में मिली है। जीआरपी ने दोनों मासूम बच्चियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है, जहां दोनों बच्चियों का इलाज चल रहा है। दोनों बच्चियों की उम्र महज 1 से 2 वर्ष की है। पुलिस दोनों बच्चियों के माता पिता की खोज में जुट गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले भी एक मासूम बच्ची लावारिस अवस्था में मिली थी, जिसका मुजफ्फरनगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से खुलासा किया था। आज सुबह के टाइम एक टेलीफोन आया जिसमें 2 बच्चियां, जिसमें एक की उम्र है करीब 1 वर्ष और एक की उम्र है करीब 2.5 वर्ष, दोनों ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल के पास बेंच पर मिली। उस समय बरसात हो रही थी, इसलिए बच्चियां कुछ भीग गई थी, उनको लाया गया है। नाम पता अज्ञात है, क्योंकि छोटी बच्चियाँ हैं, उम्र ज़्यादा नहीं है, 1 साल और 2.5 साल है। उनको डॉक्टरी परीक्षण हेतु जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर भेजा गया है, जिनको वहाँ एडमिट करवा दिया गया है। बाल सुधार का की संस्था है, उनसे संपर्क हो गया है। उनकी तबीयत ठीक होने के बाद उनके सुपुर्द व उचित कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की सूचना की गई कंट्रोल रूम के माध्यम से भी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी, और मुरादाबाद कंट्रोल के माध्यम से, CCR के माध्यम से सभी को सूचना प्रसारित की गई है। यहाँ स्टेशन पे अलाउंस द्वारा भी सूचना की गई, और भी लोगों से संपर्क किया जा रहा है। बच्चों के माँ बाप की जल्द ही सीसी कैमरे चेक कराए जाए। सीसी कैमरे की डिबेट अपने यहाँ चेक कराई, उसमें कोई, क्योंकि वो काफ़ी दूर का आउटर साइड का क्षेत्र है, वहाँ सीसी कैमरा पहुँच। क्राइम स्टोरी के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट।